भी स्टार्ट होती है एक क्लासरूम से। टीचर अपनी क्लास के साथ इंग्लिश लेसन में बिजी होती हैं। तब वो टीचर अपनी एक स्टूडेंट को नोटिस करती हैं, जो कुछ डिस्टर्ब नजर आती है। स्टोरी शिफ्ट करती है उस टीचर के हाई स्कूल डेज में। शैनियन अपने सीनियर ईयर में होती है। वो और उसके क्लासमेट्स दिन रात अपने सीसैट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। स्कूल और प्राइवेट एकेडमिक्स की तरफ से उन स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर होता है। शैनियन स्कूल में होती है कि एक लड़की रूफ से जंप करके सुसाइड कर लेती है। तमाम स्टूडेंट्स उसकी बॉडी के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और पिक्चर्स और वीडियोस लेने लगते हैं। शैनियन आगे बढ़कर उसको अपनी जैकेट से कवर कर देती है। स्कूल में ये इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट होता है। पुलिस आती है और एक डिसिप्लिन कमेटी बैठती है। शैनियन को भी बुलाया जाता है। वो उससे पूछते हैं कि शाउडी ने सुसाइड से पहले क्या तुमसे कुछ शेयर किया था। एक्चुअली शाउडी बुली हो रही होती है। वो शैनियन से पूछते हैं कि तुमने उसे कवर क्यों किया, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहो। शैनियन सिर्फ इतना कहती है कि शाउडी नहीं चाहती होगी कि लोग उसे इस हालत में देखें। शैनियन वापस क्लास में आ जाती है। उसकी सीट पर किसी ने रेड इंक डाली होती है। उसे याद आता है कि शाउडी भी इस सब से सफर कर रही थी। शैनियन को उसी सीट पर बैठना पड़ता है और उसका यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स बुली होते हुए इग्नोर करते हैं। शैनियन के टीचर उससे कहते हैं कि अगर वो बुली हो रही है तो उसे बता देना चाहिए। उसे जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने टीचर से शेयर कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स में कन्फाइड करने के लिए हेसिटेट करते हैं, क्योंकि वो बुलिंग के अगेंस्ट सख्त एक्शन नहीं लेते और फिर बुलीज मजीद तंग करते हैं। शैनियन घर वापस आ जाती है। घर पर भी प्रॉब्लम्स चल रही है। वो अपनी सिंगल मॉम के साथ रहती है और दोनों मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। शैनियन की मॉम कुछ ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है जिनका कस्टमर्स पर बुरा रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए आजकल उसकी मॉम कस्टमर से छुट्टी पे नहीं होती है। सब एंग्री कस्टमर्स शैनियन के घर के बाहर शोर मचाते हैं और दरवाजा जोर से नॉक करते रहते हैं। शैनियन को उनसे छुपना पड़ता है। रात देर से उसकी मॉम वापस आ जाती है। शाउडी की डेथ के बाद शैनियन स्कूल में क्वीन बी की बुलिंग का निशाना बन जाती है। स्कूल के बाद भी वो उसे तंग करते रहते हैं। शैनियन घर जा रही होती है कि उसे कुछ टीनेज ठग्स एक लड़की को बुरी तरह मारते हुए नजर आते हैं। वो चलती रहती है और पुलिस को कॉल करती है, मगर वो ठग्स इसको भी पकड़ कर वहीं ले आते हैं। वो उसे पैसे छीन लेते हैं और तंग करते हैं। वो शैनियन को फोर्स करते हैं कि वो शाउडी को किस करे, वरना वो उसे मारते रहेंगे। शैनियन को उनकी बात माननी पड़ती है। शाउडी भी किसी ठग से कम नहीं होता और उन लड़कों को मार के भगा देता है। शैनियन का फोन टूट जाता है तो शाउडी उसे रिपेयर शॉप तक ले जाता है और उसका फोन रिपेयर करके देता है। वो शैनियन को ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे पे करो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। शैनियन कहती है कि तुम खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, मुझे क्या करोगे। शाउडी को ये सुनकर बुरा लगता है। शाउडी शैनियन को घर तक एस्कॉर्ट करता है। वॉल्स पर शैनियन की मॉम के वांटेड पोस्टर्स लगे होते हैं। उसकी मॉम फिर घर पर नहीं होती। नेक्स्ट डे स्कूल में भी ये बात फैल जाती है और शैनियन का बहुत मजाक उड़ता है। स्कूल के बाद शाउडी शैनियन के पास बाइक पर आता है। शैनियन उसके साथ बैठ जाती है और कहती है कहीं भी चल पड़ो। शाउडी उसे अपने घर ले आता है। शैनियन स्कूल में बुली होती रहती है। गई लाई कभी उसे वॉलीबॉल से मारती है, कभी उसे स्टेयर से गिरा देती है। पुलिस डिटेक्टिव जैंग यी और लाओ यांग शाउडी की डेथ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो वाई लाई और उसके फ्रेंड्स को इंटरोगेट करते हैं। शैनियन ने वाई लाई को बुलिंग पर रिपोर्ट कर दिया होता है। वाई लाई को रिमोर्स शो नहीं करती। वाई लाई और उसके साथी जू मियाओ और जू लाई को सस्पेंड कर दिया जाता है। जू मियाओ के पेरेंट्स स्कूल आकर अथॉरिटी से बैग करते हैं कि ऐसा ना करें, मगर वो नहीं मानते। जू मियाओ के फादर उसे स्कूल में सबके सामने ही मारने लग जाते हैं। उन तीनों को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेने की परमिशन होती है। शैनियन की क्लास टीचर उसे बुलीज के सामने स्टैंड लेने पर अप्रिशिएट करते हैं। वो खुद को भी इस सारे इंसिडेंट का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, इसीलिए स्कूल से क्विट कर देते हैं और उन्हें एक न्यू क्लास टीचर रिप्लेस कर लेता है। एक दिन घर आते वक्त शैनियन को वाई लाई और उसके फ्रेंड सराउंड कर लेती है। वाई लाई उस पर कटर से अटैक करने लगती है, मगर शैनियन वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक ट्रैश बिन में छुप जाती है। जू मियाओ उसके पीछे आती है और शैनियन का फोन रिंग होता है। वो सुन लेती है मगर अपनी फ्रेंड से झूठ बोलती है कि उसे शैनियन नहीं मिली और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। शैनियन डिटेक्टिव को हेल्प के लिए कॉल करती है, मगर फिर कुछ नहीं कहती। वो शाउडी के घर आ जाती है और वही रात को रुकती है। वो शाउडी से पूछती है कि क्या वो उसे एग्जाम तक प्रोटेक्ट करेगा। शाउडी मान जाता है। स्कूल से पिक एंड ड्रॉप शाउडी ही करता है। शाउडी वाई लाई को थ्रेट करता है
कहता है कि आज के बाद चैनयन को तंग ना करना। चैनयन अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखती है। एक दिन चोमिया उसके पास रोती हुई आती है कि तुम्हारे बाल मुझे बुलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ उनके साथ इसीलिए थी ताकि मैं बुली ना हो सकूं। वो चैनयन से पूछती है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है क्या वो मेरी भी मदद कर सकता है? चैनयन कहती है कि वो उसे घर तक ले जाया करेगी। चैनयन शाओबेई के घर पर ही स्टे करती है और वो दोनों क्लोज होते रहते हैं। एक दिन शाओबेई अपने पास्ट के बारे में ओपन अप होता है। उसके डैड उन्हें छोड़ के चले गए और मॉम के लिए वो एक बर्डन था। वो बाद में एक आदमी से मिली और उससे शादी कर ली। वो उनसे मिलने गया मगर वो मूव ऑन कर चुकी थी। एक रात शाओबेई और बहुत से लड़कों को लॉकअप में रखा जाता है। पुलिस एक रेपिस्ट को तलाश कर रही होती है। उन्हें विक्टिम से आइडेंटिफाई कराने के लिए लाया जाता है और वो सारी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारते हैं। चैनयन उसका वेट करती है, कॉल करती है मगर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। शाओबेई की एब्सेंस में पुलिस चैनयन को पकड़ लेते हैं। वो उसे मारते हैं, उसके नोट्स खराब करते हैं, उसके बाल काट देते हैं और इवन के कपड़े भी फाड़ देते हैं और साथ उसकी एम्बैरेसिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। एक नेबर पुलिस को कॉल करता है और वो सब भाग जाते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलकर शाओबेई घर आता है तो चैनयन को जख्मी हालत में रोते हुए और अपनी असाइनमेंट टेप अप करते हुए देखता है। शाओबेई अपना बेसबॉल बैट उठाता है और उन पुलिस को मारने के लिए जाने लगता है मगर चैनयन उसे रोक लेती है। शाओबेई उसका हेड शेव कर देता है और फिर उसकी मॉरल सपोर्ट के लिए खुद का भी शेव कर लेता है। चैनयन स्कूल जाना कंटिन्यू रखती है। एग्जाम वाले दिन बहुत तेज बारिश होती है। ये टू डे एग्जाम है। चैनयन एग्जाम अटेम्प्ट करने जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक फीमेल की बॉडी मिलती है। उसे आइडेंटिफाई किया जाता है तो पता लगता है कि वो वाइलाई की है। चोमियाओ और जो लय को इंटरोगेट किया जाता है और उन्हें उस इंसिडेंट का पता लगता है जब चैनयन को बुली किया गया था। जो लय तो चैनयन को ही मर्डरर कहती है। पुलिस चैनयन की बुलिंग वीडियोस भी देख लेती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा से एक कैब को इस इंसिडेंट से रिलेटेड देखती है। वो उसको ट्रेस करते हैं और कैब ओनर और उनके सन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसका सन शाओबेई का फ्रेंड होता है और उस रात शाओबेई ने उससे कैब बोरो की थी। शाओबेई अपने फ्रेंड से कहता है कि पुलिस को सब सच बता देना, लेकिन उसका फ्रेंड पुलिस को बताता है कि कैब उस रात चोरी हो गई थी। पुलिस को पता होता है कि ये सच नहीं कह रहा क्योंकि कौन सा चोर कैब वापस दे कर जाएगा। वो चैनयन को इंटरोगेशन के लिए लाते हैं और पूछते हैं कि उसने बुलिंग रिपोर्ट क्यों नहीं की। वो कहती है वो नहीं चाहती थी कोई चीज उसकी स्टडी में इंटरफेयर करे क्योंकि एग्जाम करीब ही था। पुलिस के पास चैनयन के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए उसे रिलीज कर दिया जाता है और अंडर सर्वेलेंस वो नेक्स्ट डे अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर पाती है। पुलिस को एक अटेम्प्टेड रेप का केस मिलता है जिसमें लड़की रेपिस्ट का फेस देख लेती है। वो उस सीरियल रेपिस्ट को क्रैक करने लगते हैं। एग्जाम के बाद जब चैनयन घर जा रही होती है तो शाओबेई उसे पुलिस के सामने खींच कर ले जाता है। शाओबेई ने उससे कहा होता है कि वो नहीं मिलेंगे क्योंकि पुलिस उन्हें इकट्ठे नहीं देख सकती, इसीलिए चैनयन को सडन चेंज ऑफ प्लान समझ नहीं आता। शाओबेई उसे भगाकर एक अबैंडन गैराज में ले आता है और कहता है कि वो मर्डर का सारा ब्लेम ले लेगा। वो चैनयन को प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो सके जैसे वो हमेशा चाहती थी। शाओबेई कहता है कि मुझे वैसे भी एक लाइटर सेंटेंस होगा, जब तुम ग्रेजुएट करोगी मैं बाहर आ चुका हूँगा। वो चाहता है कि इस वक्त चैनयन ऐसे प्रटेंड करे जैसे शाओबेई उसे रेप कर रहा है। बहुत मुश्किल से शाओबेई चैनयन को कन्विंस करता है और जब पुलिस आती है वो शाओबेई को चैनयन को असॉल्ट करता हुआ देखती है। शाओबेई को फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। वाइलाई के फॉरेंसिक रिजल्ट्स आ जाते हैं और पता लगता है कि उसके नेल्स के नीचे से शाओबेई की स्किन फ्रेगमेंट्स मिले हैं। शाओबेई एडमिट कर लेता है कि वो बस वाइलाई को असॉल्ट कर रहा था मगर एक्सीडेंटली वो मर गई। चैनयन को एक फ्लैशबैक आता है। वाइलाई इस डर से कि चैनयन उसे रिपोर्ट कर देगी चैनयन से माफी मांगने आती है और प्लीड करती है कि वो किसी को कुछ ना बताए। वाइलाई कहती है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो उसे जितने पैसे चाहेगी वो भी दे सकती है। चैनयन कहती है कि अगर वो उसे अकेला छोड़ दे और अब कभी तंग ना करे तो वो कुछ नहीं बताएगी। वाइलाई उसे फॉलो करती रहती है और उसकी मॉम के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल भी होती है। चैनयन इरिटेट होकर उसे पुश करती है। वाइलाई स्टेयर से गिर जाती है, उसका सर स्टोन पर लगता है और वो वहीं मर
जाती है। डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि शाओ बाई रोज चैमियन को फॉलो करता है। वो शाओ बाई को वही बुलिंग फुटेज दिखाते हैं और चैमियन को पहचानने का पूछते हैं। शाओ बाई कहता है कि उसने पहली दफा चैमियन को देखा है, वो उसे नहीं जानता। चैमियन को भी इंटरोगेट किया जाता है। डिटेक्टिव शाओ बाई से कहता है कि हमें पता है तुम उसके फ्रेंड हो। चैमियन के बुली होने पर तुमने वाइल्ड आई को मार दिया। चैमियन पर भी प्रेशर डाला जाता है कि प्रिजन एक रेप इसके लिए बहुत बुरा साबित होगा। तुम अपने फ्रेंड के साथ इतना बुरा कैसे होने दे सकते हो। शाओ बाई से झूठ कहा जाता है कि चैमियन ने सब कॉन्फेस कर लिया, मगर शाओ बाई अपनी स्टेटमेंट से नहीं हटता और कहता है कि मैं चैमियन को नहीं जानता और न ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। चैमियन भी कहती है कि मैं किसी और को अपने लिए फॉल नहीं लेने दे रही, मेरा इस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। चैमियन को रिलीज कर दिया जाता है और वो घर आ जाती है। उसकी मॉम भी वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद टेस्ट रिजल्ट अनाउंस होते हैं और चैमियन के बहुत हाई स्कोर होता है। उस दिन डिटेक्टिव उसके घर आता है और बताता है कि शाओ बाई के प्रीवियस क्राइम्स को देखते हुए डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। वो एक एडल्ट है, माइनर नहीं। चैमियन रो पड़ती है और डिटेक्टिव पर चीखती है। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने झूठ बोला था, अभी फैसला नहीं सुनाया गया। वो उसे कन्विंस करता है कि अगर वो कन्फेस कर ले तो उन दोनों को लाइटर सेंटेंस हो सकता है। चैमियन उसकी बात मान लेती है। उन दोनों को कुछ अरसे की सजा मिलती है। कुछ सालों बाद दिखाते हैं कि चैमियन एक स्कूल टीचर जो एक परेशान स्टूडेंट को देखती है। क्लास के बाद वो उसके पास जाती है और उसे अकेला नहीं छोड़ती, वो उसे घर तक लेकर जाती है और शाओ बाई भी उन्हीं के पीछे चलता रहता है। यह मूवी एंड हो जाती है।